90s के डेकेड में वो हॉरर मूवी जिसमें दो गज जमीन के नीचे से अजीब आवाजें और अजीब हाथ निकलते दिखाए गए हैं। रात के अंधेरे को और काला और डरावना बताया गया और बिल्ली की आवाज से लेकर दरवाजों की भूतिया गड़गड़ाहट तक ये सब सीन भला वीराना जैसी मूवी के अलावा और किसी मूवी में कहां देखने को मिलते थे। जी हाँ, पृथ्वीराज कपूर की फिल्म एक नन्ही मुन्नी लड़की थी में शैतान का मुखौटा पहनकर डराने के सीन से इंस्पिरेशन लेकर 1972 में हिंदी सिनेमा की सुपरहिट हॉरर फिल्म डायरेक्टर है फतेह चंद राम से, जिनकी डरावनी फिल्में भी आज देखें तो सहम पैदा करती हैं। लेकिन भला आज हम यूँ अचानक उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, यही सोचे है ना? तो वो इसलिए क्योंकि इन्हीं माइंड ब्लोइंग प्रोड्यूसर की फिल्म पर बनने जा रही है बायोपिक, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि इंडस्ट्री के सबसे फाइनेस्ट और टैलेंटेड एक्टर अजय प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो आज बताते हैं आपको राम से ब्रदर्स के वो अनसुने किस्से, जिन्हें सुनकर यकीनन आप समझ ही जाएंगे कि आखिर क्यों अजय बनाना चाहते हैं इन पर बायोपिक। नंबर वन, फतेह चंद राम से अपने 7 बेटों के साथ बम्बई आए थे और इन 7 बेटों ने राम से ब्रदर्स के नाम से हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों का एक नया इतिहास रचा। यही इतिहास आज अजय सभी को दिखाना चाहते हैं, जिस वजह से वो इन ब्रदर्स पर फिल्म बनाना चाहते हैं। नंबर 2, फतेह चंद राम से तब की मुंबई में ग्रेट रोड स्टेशन के पास बिजली की दुकान चलाया करते थे और दो गज जमीन के नीचे बनने से पहले उन्होंने शहीद आजम, भगत सिंह, रुस्तम सोहराब और एक नन्ही मुन्नी लड़की जैसी फिल्में बनाई और ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप रही, जिसके बाद से राम से ब्रदर्स को ख्याल आया हॉरर फिल्में बनाने का और ये ख्याल देखा जाए तो काफी सफल भी रहा। नंबर 3, फतेह चंद राम से के 7 बेटों में कुमार राम से, केशु राम से, तुलसी राम से, करण राम से और श्याम राम से, गंगू राम से, अर्जुन राम से ने अपने पापा की हॉरर फिल्मों की विरासत को यूं ही आगे बढ़ाया। राम से ब्रदर्स ने ही इंडियन टेलीविजन का पहला हॉरर शो भी जी नेटवर्क के लिए बनाया, जो काफी सक्सेसफुल भी हुआ। एंड नंबर 4, राम से ब्रदर्स की मूवीज की बात करें तो इन मूवीज ने किया एंटरटेन, जिनका नाम था बंद दरवाजा, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर, नो वर्स, सीधी सामरी, चैतानी इलाका और कौन महाकाल, और ऐसे ही न जाने कई हॉरर मूवीज देकर राम से ब्रदर्स ने इंडियन सिनेमा को एक अलग ही रूप दिया था। वेल, कहना ही पड़ेगा कि 80s में जब इंडियन सिनेमा रोमांस, एक्शन और फैमिली फिल्मों पर जोर दे रहा था, तब राम से ब्रदर्स एक अलग जॉनर ही लेकर आए। राम से ब्रदर्स की फिल्मों की एक्सीलेंस पर बहस भी हो सकती है, मगर इस बात में कोई शक नहीं कि उस दौर में बड़े पर्दे पर इन फिल्मों में दहशत फैलाने का काम बखूबी किया था, जो आज भी कायम है। और शायद यही एक अहम वजह है जिस वजह से अजय जैसे एक्टर इन डायरेक्टर्स पर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है अजय के डिसीजन पर? जरूर दीजिएगा अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।